का ये ऐप है और मैंने बीटा में एनरोल कर लिया है नीचे से। अगर आप चाहें तो बीटा में एनरोल कर सकते हैं, नहीं चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो 20 MB डाउनलोड हो गया है, देख सकते हैं। इसका जो लोगो है वो कुछ व्हाट्सएप की तरह थोड़ा सा कॉपीड लोगो है, शंख बना हुआ है। किम्बो एक है, अब भारत बोलेगा इनका जो है वो स्लोगन है। तो आप देख सकते हैं 1000 अभी तक डाउनलोड हुए हैं, तो हम लोग काफ़ी अर्ली वीडियो बनाने वाले हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आने वाला है। अब ये डाउनलोड हो गया है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, किम्बो अब भारत बोलेगा, टैप टू स्टार्ट, टैप कर देते हैं स्टार्ट करने के लिए। फोन नंबर मांग रहे हैं, फोन नंबर जल्दी से दे देते हैं भाई। प्रोसेस जो इसका प्रोसेस है वो लगभग व्हाट्सएप की तरह ही है, सब उसी तरह की सारी वेरिफिकेशन उसी तरीके से हैं। तो देखा जाए तो कॉपीड ही है, लेकिन अब क्या सोच करके ये लेके आए हैं अब ये वही जानेंगे। बोलो चैट ऐप, देखिए एक चीज वियर्ड चीज है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है कि मैसेज में बोलो चैट ऐप, आप यहाँ मेरी उंगली ऊपर देखिए, बोलो चैट ऐप लिखा हुआ है 5051। तो लग रहा है कि इसका नाम जो है वो बोलो चैट ऐप था पहले, तो वो रीड कर लिया इसने। अब नेम जल्दी से डाल देते हैं ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको सब दिखा दूं। बर्थ डेट जल्दी से मैं डाल देता हूं, 94 अप्रैल 28। इस तरह नहीं लेगा, इसको बैक करना पड़ेगा, ऐसे लेगा। जल्दी जल्दी मैं सब आपके लिए कर देता हूं ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। एक बार टेस्ट करने में कुछ नहीं जाता, फोटो में बाद में अपलोड कर लूँगा, एक बार टेस्ट करते हैं कि मतलब ये ऐप है क्या, ये देता क्या है। तो ओपन होने दीजिए। इंटरफेस इसका थोड़ा अलग है लेकिन फिर भी ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, तो व्हाट्सएप की तरह ही है। क्यों लाए पता नहीं, ज़रूरत थी इसकी मुझे नहीं लगता, ज़्यादा लोग डाउनलोड करेंगे शायद। हाँ मैं तो टेस्ट करने के लिए कर लिया, बट आई डोंट थिंक कि मैं यूज़ करूँगा, कुछ दिन रखूँगा, देखता हूँ। बहुत लोग अगर यूज़ करते हैं तो लेट्स सी, हो सकता है यूज़ करें, क्योंकि टेलीग्राम भी आया था, टेलीग्राम में भी हमने कुछ दिन चलाया, हम सब ने चलाया, लेकिन ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका भी हाल वही हो जाए, क्योंकि व्हाट्सएप अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है और हर चीज़ में व्हाट्सएप मेरे हिसाब से एज अ बेस्ट ऐप है। अगर मैं मैसेंजर्स की बात करूँ, वीडियो कॉलिंग के लिए कहो या कॉलिंग के लिए कहो या मैसेजिंग के लिए कहो, नए नए फीचर्स के साथ वो लैस है, हर चीज़ की उसमें सुविधा आपको मिल जाती है जो आपको एक चाहिए एक सिंगल ऐप से। अब तो पेमेंट भी उसमें आ गया है, तो ये मुझे कम उम्मीद है कि ऐप उतना चलने वाला है। बट बाबा रामदेव का मार्केटिंग से आप लोग जानते हैं, पतंजलि को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कुछ ही सालों के अंदर में। तो हो सकता है कि पतंजलि कम्युनिकेशंस को भी पहुँचा दे, क्योंकि अभी हाल ही में सिम लॉन्च किया है, जैसा कि मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी है, दो दो वीडियो बनाए उस सिम के बारे में। और अब ये आ गया किम्बो ऐप, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। थोड़ा स्लो है, गेटिंग रेडी होने में थोड़ा स्लो हो रहा है। तो फाइनली ऐप जो है वो खुल गया है, आप देख सकते हैं सेम टू सेम, मतलब याद आती है ना आपको व्हाट्सएप, सेम टू सेम सब कुछ लग रहा है ना। यहाँ पे कौन कौन है और इन लोगों को मैं चाहूँ तो जोड़ सकता हूँ, और किम्बो टीम की तरफ से मैसेज है, इमेजेस ओके, देन राइटिंग के लिए है ओके, देन इमोजीज हैं अलग अलग के, स्टिकर्स हैं, मतलब ये हाइक और व्हाट्सएप का एक मिश्रण की तरह है समझ लीजिए। वॉइस, ये घोस्ट फीचर कुछ दिया गया है मुझको लग रहा है, मान लीजिए मैंने हाई लिख के भेजा, हाँ ये घोस्ट फीचर है एक तरह से। और पेंट है, चाहे तो आप सिग्नेचर करके भी भेज सकते हैं, ये सब चीज़ें सेंड कर सकते हैं। और ये तो राइट वाली चीज़ें हैं जो इंस्टेंट मैसेजेस आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इमेजेस हैं जो मेरे फ़ोन में हैं, वो इमेजेस हैं ये, और स्टिकर्स हैं। तो बहुत ही बेसिक सा एप्लीकेशन है, कॉन्टेक्स्ट इसमें दिए हुए हैं, एक्टिविटी इसमें है, और यहाँ पे आप कलर्स और ये सब चीज़ें कर सकते हैं ओके। स्टेटस मुझे लगता है कि इससे लग सकता है, सेटिंग्स में जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है इसमें। आपको एडिट प्रोफाइल मिलता है, चेंज फोन नंबर मिलता है, ऑटो मीडिया डाउनलोड मिलता है, शेयर ऐप मिलता है, और कॉन्टैक्ट अस मिलता है। इतने ही ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। बीटा 0.93 में है ये। ये सर्च ऑप्शन है, तो सर्च में कोई है नहीं, नो अपडेट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स, क्योंकि भाई फ्रेंड कोई डाउनलोड ही नहीं किया तो